हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ कुछ नया लेकर। सब देख सकते हैं, एक रिंग है, बहुत सारे धागे हैं और मैंने एक फ्लावर भी बना कर रखा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आर्ट। बट इस बार हम एक कपड़े पे करेंगे, और वैसे इस आर्ट को हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, बट ये एक एम्ब्रॉयडरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम ये रिंग को ओपन करेंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, सो कैमरा गलत एडजस्ट हो गया, जिसकी वजह से पूरा रिंग नहीं दिख रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। एंड ये क्या, मैंने इसे खोला भी नहीं था अभी तक। हाँ, ये बिल्कुल नया है, जिस मार्केट से लाया मैंने, और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। पैटर्न मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ही लिया है, और इसे आई विल प्लेस ऑल्सो। ये मेरे को करने नहीं आता था, मुझे पूछना भी पड़ा कि इसे कैसे लगाते हैं। कोई बात नहीं, लेट्स डू दैट। अच्छा, ये वही मोमेंट है जब मुझे नहीं आ रहा था एंड आई वॉज ट्राइंग। तो एक को नीचे रखकर दूसरे को ऊपर, एंड नाउ इट्स डन। बैलेंस थोड़ा ये टाइट रहेगा ताकि कपड़ा वो जो है ना वो खराब ना हो, ऐसा मेरी अम्मी ने कहा है। I did that and now I'm trying to tight this grip. So it's now almost done and अब हम try करेंगे अपना embroidery. और जो दूसरा चीज़ हमें चाहिए वो होगा एक needle और एक क्या बोलते हैं धागा, yes धागा और सुई। तो वैसे इस embroidery के लिए धागा दूसरा आता है, but आप इससे भी कर सकते हो, मुझे ये अच्छा लगता है ये धागा, इसका जो इफेक्ट आता है मेरे को वही पसंद है। इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत है, बट स्टिल इसी से करना है मुझे, बिकॉज आई लाइक द इफेक्ट दैट इट गिव्स। एक एंड पे नॉट टाई करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। इट्स वेरी इजी। हाँ, छूट गया मेरे हाथ से, फिर से सेकेंड ट्राई। ओह, हो गया लगता है। हाँ, हो गया। वो नॉट लगाने के बाद से वो नीचे से स्टार्ट करेंगे हम, इसका जो स्टार्टिंग है वो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो फाइंड अ परफेक्ट प्लेस एंड देन जस्ट स्टार्ट। ओके, एक लिया, फिर इसे आई कैन सी, दिख ही रहा होगा कैसे करते हैं। फंस गया। ये रहा एक परफेक्ट ब्लूपर, मतलब कितना बकवास था। इसी वजह से इसका टाइटल है नॉट एन एम्ब्रॉयडरी वीडियो। फिर से स्टार्ट करते हैं, वो नीचे से गया। ओके, लेट्स सी इस बार क्या होता है। फिर इस बार मैंने पहले वो सुई डाला, उसके बाद फिर वो नॉट लगाया। What am I doing here? I don't know. Okay. अच्छा ठीक है, धागा पहले नीचे सेंटर करेंगे, उसके बाद फिर उसको ऊपर से लेकर जाना है, फिर उसको उसी प्लेस से उठाना है, और फिर ये रिपीटेड प्रोसेस है। ये सही प्रोसेस है, पहला वाला गलत था, skip it. ठीक है, यहाँ से कोई गलती नहीं है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस होगा ऐसे। ठीक है, बार बार हमें वही प्रोसेस करना है, मतलब नीचे में ऐसे। आई एम टेलिंग यू कि आई एम डूइंग दिस, डोंट डू दिस, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग दिस फर्स्ट टाइम एंड सो आई डिसाइडेड टू शॉर्ट अ वीडियो, नॉट अ वीडियो, शॉर्ट अ व्लॉग फॉर दिस व्हिच आई एम शोइंग यू। ओके, डोंट डू लाइक मी, यू विल रुइन योर क्लॉथ। आई डिडंट रुइन, आई विल शो यू इन द एंड that I didn't, I managed. थोड़ा यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज ये दिख जाए प्रोसेस के सेम रिपीटेड पैटर्न करने से क्या होता है। एक ये वे है कि रिपीट करते हैं तो फिर वो फ्लावर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ के बाद से जो पैटर्न मेरे को चाहिए था वो कुछ इस तरह से जाएगा। वेट, आई शो यू वो कैसे बाइंड करेंगे। ये टॉप से लिया, यहाँ पर पुट करेंगे, हो गया क्या। हाँ, क्या। ओके, अगेन दिस नॉट,
this knot part was really silly. फिर से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं बिकॉज उतना पेशेंस नहीं है. सो इस प्रोसेस में फिल करना 1, 2, 3 कुछ हो भी रहा है. आई एम कंटिन्यू डूइंग दैट. अच्छा जरूर कोई मिस्टेक हुआ. आई डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू लर्न एनी थिंग फ्रॉम दिस वीडियो बट माई कंक्लूजन वॉज आई डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बी इट वेर एवर चाहे वो ये एम्ब्रॉयडरी हो या इन लाइफ हो. एंड आई एम टेलिंग दैट वो बेस पार्ट वो करने के बाद ये जो भी पैटर्न चल रहा है ये कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे जब तक वो फ्लाक कंप्लीट ना हो जाए. ये हाफ डन हो गया है, आधा कर लिया मैंने, और इससे ही पूरा करेंगे, पूरा फिल करेंगे. देन रिजल्ट विल ऑब्वियसली कम, कुछ तो आएगा ही, अब चाहे अच्छा है या बुरा है. लेट्स सी मेरा क्या आता है. सो अगेन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. ओके सो आई विल शो यू कि मेरा पहला पेटल कैसा आया था. दिस इज़ ब्यूटिफुल. और इसके बाद सुबह से शाम हो गया, सिर्फ 3 ही बना है. बहुत मेहनत है इसमें, बहुत. ओके दिस लुक डिस्गस्टिंग नाउ ट्रस्ट मी. बट क्योंकि 3 फ्लावर बहुत अच्छे हुए ऑब्वियसली और 2 बिल्कुल ही अच्छे नहीं हुए. सो इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर ये जो दिख रहा है बीड्स ये लगाना मेरे को बीच में. सो इसे भी करते हैं अगेन विद दैट थ्रेड. इफ यू आर गोइंग टू यूज वाइट, वाइट यूज करो बिकॉज वो जो मेरा मोती है वो वाइट है. और ये जो पेटल्स खराब हुए हैं इसके बीच में लीफ डालना है ताकि वो बेटर हो जाए. सो व्हाइल आई वाज मेकिंग दिस आई ऑल्सो आस्क्ड माई मॉम दैट हाउ वॉज इट लुकिंग एंड शी वॉज लाइक cow dung cake, nothing much more than that. Yeah, this was the compliment that I got from my mother. So I obviously felt bad because bahut mehnat lagi hai aise karne mein, bahut zyada. Ye beech bitha kar I was feeling frustrated kyunki mujhe acha compliment nahi mila. So I went to my cousin's place and when I came home I saw that my mother has completed this, but it really looked beautiful. Though I didn't wanted orange leaf, but ये बहुत प्यारा लग रहा है. So you can see. This was how my first mini vlog of my embroidery, which was not an embroidery video. Thanks for watching the entire video, but I'll be back with its part 2 soon, जो कि पूरा मेरे ही होगा, मतलब मैंने बनाया होगा. Bye bye.